वैशाली के महुआ के मुजफ्फरपुर रोड में उचक्कों ने एक महिला के झोला में ब्लेड मारकर उसमें रखे 28,000 रुपया लेकर फरार हो गए। महिला ने इस संबंध में महुआ थाने में एक आवेदन दिया है। बताया जाता है कि मऊराही पंचायत के मनोज राय की पत्नी अनीता देवी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से 28,000 रुपया निकालकर मकई के बीज लेने के लिए मुजफ्फरपुर रोड स्थित नेशनल सीड्स दुकान पहुंची। इस दौरान उसने झोला में पैसा रखा। जैसे ही वो मुड़ी, उसके झोला में किसी ने ब्लेड मारकर उसमें रखे 28,000 रुपया लेकर फरार हो गया। महिला रोती चिल्लाती हुई थाने पहुंची तथा इस संबंध में महुआ थाने में एक आवेदन दिया है। अच्छा, की होला की भेल, हम पैसा से निकाल के आ काउंटर पर ठड़ा भेली, दाम साठ कैली बीया के, आ दाम साठ कह के तब हमरा कहलन एगो आदमी जे अंदर घुसू से देखू गो बीया, आ हम अंदर हती आ मेन गेट पर हो तन एगो स्टाफ अंदर में बीया देखा देखा के आ स्टाफ अगर बाहर हो तन हम भीतरीये से कह छी जे हिसाब करू तो हिसाब कैल करबो न कलम तालू हमें ना करे छी तो हमर पैसा काटे हम तेसर आदमी कौन चीज नाम लगा अपने के हम अनीता देवी कहाँ घर मोगरा है।